हाय गाइस, होपफुली आप सारे अच्छे होंगे। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ स्ट्रिक्स के इंस्टा शैम्पू हेयर कलर का। ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँ। स्ट्रिक्स के मैंने और भी हेयर कलर यूज़ किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे आते हैं, बट इंस्टा वाला मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। ये इसमें एक्चुअली लिखा हुआ है वर्क इन जस्ट 5 मिनट, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार बहुत ज़्यादा हेडेक होती वाले कलर यूज़ करो, फिर उसको 30 से 45 मिनट तक उसको छोड़ दो, फिर उसको मतलब बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है, 1 घंटे का पूरा प्रोसेस हो जाता है। ये जस्ट 5 मिनट का है, तो इसको मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि कैसे इसमें ना पीछे की साइड इसमें यूजेस लिखे हों कि कैसे इसको यूज़ करना है। एंड इसका जो इसमें लिखा हुआ है, ये 100% ग्रे कवरेज देता है, नो अमोनिया, इसमें लॉन्ग लास्टिंग कलर है क्योंकि एंड कन्वीनियंट है ये, तो मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। और इसमें मैं देखते हैं क्या क्या जो इसमें लिखा हुआ वो मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि बोलते बहुत कुछ है। सबसे पहले ये आपको मिलता है इसका शैम्पू हेयर कलर के लिए, मतलब आपको बुकलेट मिलती है, प्लस इसके अंदर आपको ये देखो सिर्फ कलर है। तो अब मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ इसको। कलर को डायरेक्ट अपने हाथों पर नहीं लगाना है, सबसे पहले आपको दस्ताने पहने, कोई भी हो आपके पास वो यूज़ कर लीजिएगा। एंड उसके बाद जो सूखे बालों में इसको यूज़ करना है, गीले बाल नहीं करने हैं, तो मैं वही करने जा रही हूँ। एंड इसको पाउच को ना अपने हाथ में आपको इन्होंने कहीं अच्छा यहाँ पे निशान भी लगाया हुआ कि कहाँ से कट करना है एग्जैक्ट, इस टाइप का ही निकलेगा। ये देखो जैसे शैम्पू करते हैं ऐसे आपको करना है, और जैसे इन्होंने बताया कि गीले नहीं करने हैं अभी, मतलब आपको नॉर्मल मसाज करनी है। मसाज करने के बाद फिर जैसे आप वॉश करते हो ना बालों को, वैसे आपको वॉश कर लेना है। तो मैं अच्छे से लगा के आपको भी मिलती हूँ। इस हेयर शैम्पू में सबसे अच्छी बात है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट किसी की हेल्प अपने आप कलर वगैरह कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप कलर करते हैं तो आपको दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है, तभी प्रॉपर लग पाता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मैंने बालों में ना प्रॉपर लगा लिया है ये, इसको ऐसे करना है नॉर्मल मसाज कर दो ना बालों की, वैसे ही करना है। एंड अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है, मीन्स छोड़ देना, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना। लेकिन तब तक वॉश करना है जब तक कि एकदम मतलब जो एक्चुअल पानी होता है वो ना आए, मतलब बिल्कुल भी झाग वगैरह नहीं आने चाहिए। उसके बाद फिर आपको मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बालों को प्रॉपर तरीके से वॉश करके अच्छे से इनको सुखा लिया है। ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं नेचुरली बालों को मतलब सुखाने की कोशिश करती हूँ। मैं बहुत ही कम ड्राई यूज़ करती हूँ, विंटर चल रहा है तो बालों को सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं ये नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ मैं। एंड अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की। जैसे कि क्लेम करते हैं कि 100% आपके जो ग्रे हेयर उनको कवरेज देता है, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट मेरे बालों पर इसने 70% तक वर्क किया है, जो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करती हूँ तो 25 रुपीज़ प्राइसिंग है इसका, बहुत अच्छे प्राइस दिया हुआ है। अगर आप डिस्काउंट पर लेंगे तो शायद 20 रुपीज़ तक भी आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में, मींस ऑनलाइन आप मंगवाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने मार्केट से लिया है तो मुझे रेट टू रेट मिला है प्रोडक्ट। और इसके बाद मान लीजिए मेरे बालों पे इसने 70% काम किया, हो सकता है आपके 80 या 90% कर दें, क्योंकि हर किसी के बालों का टेक्स्चर भी अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से हर कोई प्रोडक्ट रिजल्ट भी अलग अलग ही डालते हैं आपके बालों पर। इसमें दो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम की, एक तो जो क्लेम है वो भी गलत है कि हाँ फुल कवरेज दे रहा है, तो मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सेकंड, अगर इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा इसकी क्वांटिटी होती तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि क्वांटिटी ना जैसे लंबी है तो उनके लिए थोड़ी सी कम पड़ जाती है। बट हाँ ठीक है, जिनकी हैवी हेयर होंगे ना, बहुत ज़्यादा हैवी होंगे, उनके लिए एक नहीं दो पैकेट यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि एक पैकेट से आप प्रॉपर तरीके से उतना अच्छे से नहीं लगा पाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक है तो आप परचेज कर सकते हैं, मेरी तरफ से मस्ट बाय प्रोडक्ट। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।